हेलो एवरीवन, दिस इज मी सात्या हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। टफ रीडिंग करेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपका पर्सन राइट नाउ आपसे क्या कहना चाहता है, क्या चल रहा है उसके दिल में, दिमाग में आपको लेकर, जो आपसे कहना चाहता है बट कह नहीं पा रहा या फिर कह नहीं रहा राइट नाउ। इस रीडिंग में हम उसके मैसेजेस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि एक चैनल वीर है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स सी कि क्या कहना चाहता है आपका पर्सन राइट नाउ आपसे बट कह नहीं पा रहा। लेट्स सी। किंग ऑफ कप्स, आपका पर्सन डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। आप में से कुछ लोग वाटर साइन हो सकते हो या फिर वाटर साइन को डील कर रहे हो सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो है यू नो बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स जो हैं यू नो आपका आपका पर्सन ऐसा है जो कि यू नो दिल में उसके कुछ और होता है और वो प्रिटेंड कुछ और करता है। यू नो जो प्रिटेंड करता है वो बहुत ही रूड रिजिड किस्म का इंसान है। दिल में उसके लिए आपके लिए बहुत कुछ है जो कि वो नहीं एक्सप्रेस करता है, नहीं कहता है। और मुझे लगता है कि आपका जो पर्सन है इसको इसके माइंड में आपको शायद लगता होगा दुनिया का बिजी तरीन इंसान है, लेकिन इसके पास इतना फजूल टाइम है नेगेटिव सोचने का जो कि आपकी सोच है। यू नो इतना कुछ है इसके जहन में जो कि नेगेटिव होता है, जो कि इसको रोकता है चीज़ों को परसू करने के लिए, लव लाइफ को परसू करने के लिए, एक्सप्रेसिव होने के लिए। यू नो इसको लगता है कि अगर मैं एक्सप्रेस कर दूंगा या कर दूंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कोई बहुत ही इसके जहन में कोई नेगेटिव एक नोशन है जो अटैच किया हुआ है इसने लव को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, वो जिस भी रीज़न की वजह से है, लेकिन दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। यू नो इसका जो अपना एक बिलीफ सिस्टम है लव को लेकर वो बहुत नेगेटिव है मेजॉरिटी लोगों के लिए। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वांड्स, इसको बहुत ज़्यादा इनर कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। कभी कभी उसे लगता है कि यू कुड बी द परफेक्ट होम मेकर। कभी कभी उसको लगता है कि आपके साथ उसकी ज़िंदगी बेस्ट हो जाएगी। कभी कभी उसको लगता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपका नेचर उसका नेचर काफ़ी डिफरेंट है। शायद यू नो आप लोग शायद यू नो आप दोनों सेम साइंस यू नो से हो, वाटर साइंस हो सकते हो, फायर साइंस हो सकते हो, अर्थ साइंस हो सकते हो, यू नो एयर साइंस हो सकते हो, बट मुझे लगता है कि स्टिल आप दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। यू नो आपकी सोच डिफरेंट है, पर्सपेक्टिव्स डिफरेंट हैं, ड्रीम्स डिफरेंट हैं, गोल्स डिफरेंट हैं, और काफ़ी सारे यू नो कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ भी हैं। लेकिन जो आपके यू नो एक होता ना कि प्यार जब आपको हुआ तो आपने ये सब देखा नहीं, यू नो जस्ट हो गया। सो अब जब हो गया है तो आप यू नो इस कनेक्शन को लेकर आपके पर्सन के भी दिल में वही चीज़ें हैं, वही फीलिंग्स हैं जो आपके दिल में है, लेकिन आप शायद सोचते नहीं हो। आप शायद अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, ना ही आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। व्हेन इट कम्स टू योर पर्सन, आपका पर्सन क्या करता है कि वो हर चीज़ कैलकुलेटिव वे में करना चाहता है कि यू नो ऐसा अगर मैंने कर दिया तो ये हो जाएगा, अगर वैसा हो गया तो फिर ये हो जाएगा। सो उसकी स्टोरी जो है वो चलती रहती है माइंड में, और उसकी वजह से जो सिचुएशन है मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ में आगे नहीं बढ़ रही है बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न। क्योंकि जब ये चीज़ों को अपने अपने नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखता है तो इसको लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, तो उसका आगे से यू नो वन थिंग वन थॉट वन नेगेटिव थॉट लीड्स टू अनदर वन। सो इस तरह की सिचुएशन है आपके पर्सन की जिसमें उसको अपने साथ उसकी इतने ज़्यादा फाइट्स होती हैं, अपने साथ उसकी इतने ज़्यादा इनर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कि फिर वो कुछ एक्शन लेने से पहले ही रुक जाता है। इवन दो कि उसको आपको लेकर एक बहुत पॉजिटिव चेंज नज़र आता है, आपके अंदर उसको बहुत पॉजिटिव चेंज नज़र आता है, शायद आप बहुत ज़्यादा मच्योर हो गए एज़ कम्पेयर टू हाउ यू वर, लेकिन एट द सेम टाइम स्टिल वो वहीं का वहीं है, वो पर्सन नहीं बदला, वो पर्सन के अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं आई, जैसे था वैसा है। लेट्स सी मोर मैसेजेस कि क्या है
के दिमाग में आपको लेकर जो ये कहना चाहता है बट कह नहीं पाता। अच्छा, मुझे लगता है कि शायद आपको 7 हफ्ते या 7th month ऑफ दिस ईयर, 7 हफ्ते या 7th month ऑफ दिस ईयर, 7th month ऑफ दिस ईयर हो सकता है कि आपको इस इंसान के अंदर चेंज दिख जाए। हो सकता है कि ये ओन करने लगे अपनी फीलिंग्स को और इन चीज़ों से निकल आए जो कि उलझने इसने खुद बनाई हुई है। एक होता है ना कि सेल्फ इम्पोज ब्लॉक्स होते हैं कि नहीं, अभी मैंने ये नहीं करना, अभी मैंने वो नहीं करना। सो हो सकता है कि उन सारे ब्लॉक से निकल आए। यस, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग चांसेस हैं कि ये जिसने खुद से क्रिएट की हुई है नेगेटिविटी अराउंड लव, रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत, जो आपके लिए फीलिंग्स है उसको जिस तरह से कंट्रोल करता है, मुझे लगता है कि उसमें से निकल पाएगा और फिर आपकी तरफ ये एक्शन लेगा। एक्शन लेने का तरीका बहुत ही मुझे लगता है कि इसको इनडिसाइसिवनेस जो है ना वो तब तक ही रहेगी जब तक ये आपकी तरफ एक्शन नहीं लेता। जब एक्शन लेगा तो बहुत क्लियर होगा कि क्या चाहिए उसको आपसे और बहुत क्लियर होगा कि शादी, कमिटमेंट, मैरिज की तरफ चीज़ें लीड करेंगी। सो इवन दो बहुत डिलेज आए, बहुत डिलेज हैं, स्टिल जब आगे चीज़ें बढ़ेंगी तो बहुत स्मूथली आगे जाएंगी। लेट्स सी कि और क्या है इसके माइंड में आपके बारे में, आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। और क्या सोचता है ये आपके बारे में, क्या चलता है इसके दिल में, दिमाग में, आपको लेकर, आपके साथ जो कनेक्शन है उसको लेकर। अच्छा, आपका पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है और मुझे लगता है कि उसको लगता है कि आप उससे बढ़ के ईगोइस्टिक हो। उसको लगता है कि आप उसको टक्कर देते हो, उसको उसके साथ हमेशा एक कंपटीशन टाइप का आपका सा आपका और उसका चलता है। कहीं ना कहीं ढीटनेस में जो आके आप दोनों एक दूसरे की बात नहीं मानते हो, वो भी एक रीज़न है जो आपके पर्सन को लाइक और अग्रेसिव करता है सिचुएशन। मुझे लगता है कि इट्स अ म्यूचुअल एनर्जी। आप दोनों सेम साइन भी हो सकते हो, आपका पर्सन फायर साइन भी हो सकता है बहुत स्ट्रांगली, बट मुझे लगता है कि आप दोनों के अंदर जो थोड़ा एक ईगो या आपके पर्सन के अंदर स्पेसिफिकली एक ईगो का इशू है जिसकी वजह से उसको लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है। सो मुझे लगता है कि बेसिकली आप दोनों एक जैसे हो बट एक जैसे नहीं भी हो। आपका वे ऑफ डीलिंग डिफरेंट है, आपके पर्सन का वे ऑफ डीलिंग डिफरेंट है, तो वो एक रीज़न है जिसकी वजह से चीज़ें आप आपके पर्सन को लगता है कि आप शायद उसको कंट्रोल करना चाहते हो, जबकि शायद ऐसा वो खुद चाहता है आपका पर्सन। लेकिन इट्स अ वेरी म्यूचुअल एनर्जी। मुझे लगता है कि दोनों शायद एक जैसे हो, थोड़े ढीठ से, थोड़े ईगोइस्टिक से, थोड़ा कंट्रोलिंग से, बट मुझे लगता है कि चीज़ें बदलेंगी क्योंकि आपकी एनर्जी काफ़ी बदल चुकी है ऑलरेडी। इस इंसान की अभी वैसी की वैसी है जैसे थी। सो मुझे लगता है कि ग्रेजुअली कुछ लोगों के लिए 7 days कुड बी द टाइम, 7 days, 7 weeks, 7 months, 7 साल हो सकता है कि आपके कनेक्शन को हो चुके हों ऑलरेडी। और अगर 7 साल हो चुके हैं तो मुझे लगता है कि अब जो गुड लक है वो आपकी ज़िंदगी में आने वाली है इस इंसान के साथ। न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग मेजॉरिटी लोगों के लिए। और मुझे लगता है कि पर्सन आपके पास जब आएगा, आप में से कुछ लोग वर्गो भी हो सकते हो या वर्गो को डील कर रहे हो सकते हो, मुझे लगता है कि जब ये पर्सन आपके पास आएगा तो ये बहुत इम्प्रूव हो चुका होगा, इसका अपना वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ जो है वो काफ़ी बदल चुका होगा। प्रॉस्पेरिटी और स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी सारा साथ होकर चलेगा। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आपका पर्सन, एक सेकेंड, दो कार्ड्स और देखते हैं। फोर ऑफ वांड्स, ओके, एंड नाइन ऑफ वांड्स। मुझे लगता है कि आपके पर्सन में जो शिफ्ट चाहिए ताकि जब आपकी आपकी लव लाइफ आगे बढ़ सके, मुझे लगता है कि शिफ्ट आने वाला है। लेकिन कुछ लोगों के लिए स्लो प्रोसेस रहेगा, डिपेंडिंग ऑन कि आप कहाँ पर अपनी ज़िंदगी में, आप कितना लर्न कर चुके हो, आप क्या इस सिचुएशन में हो जहाँ पर मुझे इस पर्सन की एनर्जी लग रही है, जो कि आप में से कुछ लोग होंगे और कुछ लोगों को स्टिल वर्क करने की ज़रूरत है। बट मुझे लगता है कि चीज़ें अच्छी हो जाएंगी आपके और आपके पर्सन के दरमियान में। और वो डिसीजन लेकर आपकी तरफ जो है एक्शन लेंगे आने वाले टाइम में। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि एक सेकेंड, दो कार्ड्स और ऐड करेंगे पहले। और क्या चलता है इसके दिल में, दिमाग में आपको लेकर। आप इसकी ज़िंदगी का वो हिस्सा हो जो कि ये जिसके जहाँ पर ये बहुत खुश रहता है। आपका साथ, आपके पास रहना इसको इसकी ज़िंदगी में एक चीयरफुलनेस ऐड करता है। एक आप इसकी ज़िंदगी का वो लम्हा हो, इसके इसने आपके साथ जो टाइम बिताया है वो इसकी ज़िंदगी का वो लम्हा है जो कि ये इंजॉय करता है। चाहे आप कनेक्टेड हो, चाहे आप आउट ऑफ टच हो, आप जब भी साथ होते हो यू मीन अ लॉट टू ईच अदर बेसिकली।
आप इसको हमेशा पुश करते हो टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ देम, और सेम ये आपको करता है. तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो. आपका पर्सन काफ़ी ज़्यादा अनइमोशनल तो है ही टूवर्ड्स यू, लेकिन इट्स नॉट कि वो रियल में ऐसे हैं. वो डीप डाउन बहुत ज़्यादा फील करते हैं, लेकिन उनका उन्होंने एक अपना एक शेल रखा हुआ है हार्ट सा, जो कि जिससे आपको हमेशा ये फीलिंग आती है कि दिस पर्सन डजन इवन केयर. सो उस तरह की एनर्जी है. बट मुझे लगता है कि आप में से आप या आपका पर्सन जो है वो पब्लिक डीलिंग में कुछ करते होंगे, एज एन के उनका वर्क फील्ड ऐसा होगा जहाँ पे उनके लोगों से डीलिंग बहुत ज़्यादा होती है. आप खुद भी ऐसे हो सकते हो, बट मुझे लगता है कि काफ़ी एक्सपीरियंस किस्म का इंसान है आपका जो भी वर्क करते हैं उस यू नो फील्ड में. इनका बहुत ज़्यादा नाम भी हो सकता है, बहुत फेमस या अथॉरिटेटिव भी हो सकते हैं. आपका पर्सन बहुत रिच हो सकता है, और मुझे लगता है कि इसको अपना कैरियर बहुत पसंद है. और मे बी इसको लगता है कि जो आपका नेचर है और जो इसका नेचर है उसमें डिफरेंसेस इस तरह से भी हैं कि शायद आप कैरियर ओरिएंटेड नहीं हो और वाइस वर्सा. सो लेट्स सी कि आपको गिवन सिचुएशन में क्या करना चाहिए. हमारे पास दो कार्ड्स आ गए हैं पहले ही, एक है जर्नी और एक है फ्लरिश. जर्नी, इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर जर्नी. इट मे बी इम्प्रॉम्प्टू और प्लान्ड. ईदर वे मेक श्योर दैट यू आर रेडी व्हेन द टाइम कम्स. पैक योर पासपोर्ट नाउ. अच्छा, राइट नाउ लाइक आई सेड अर्लियर, मुझे लगता है कि आपकी ऑलरेडी एक जर्नी चल रही है इस इंसान के साथ, काफ़ी टाइम से चल रही है. लेकिन जो इसमें शिफ्ट्स आने वाले हैं, जो चेंजेस आने वाले हैं, मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव एक ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड आने वाला है. आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए. मुझे लगता है कि कुछ ऐसी सडन डेवलपमेंट्स भी हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, जहाँ पर शायद आप यू नो अनएक्सपेक्टेडली आपको एक ये पर्सन आकर प्रपोज कर दे और चीज़ें आपके साथ बेहतर हो जाएँ. क्योंकि जो चीज़ इसको राइट नाउ रोक रही है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू. इसके अंदर सडन चेंज आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं टूवर्ड्स यू. उसके बाद आपका जो जर्नी है, जो चैप्टर है, इसके साथ एक नया चैप्टर शुरू होगा. सो एज यू वेट, वाइल यू वेट, इट्स टाइम फॉर यू टू फ्लरिश एज वेल. अपनी कोशिश करो कि आप अपनी अपनी ज़िंदगी में जो भी कुछ हो चुका है उसके एक्सपीरियंस से आप लर्न करो, और जो भी आपके अनक्लियर एरियाज ऑफ योर लाइफ हैं उसके ऊपर थोड़ी सी यू नो थॉट प्रोसेस के साथ उसको थिंक थ्रू करो, और कोशिश करो कि जो आपके मेंटल फिजिकल इमोशनल ब्लॉक्स हैं उसको आप उस वर्क करके उससे अपने आप को निकाल सको, अपने आप को बेटर करने की कोशिश करो एज यू वेट वाइल यू वेट. अच्छा, एक और डेक से ओरेकल कार्ड्स ऐड कर लेते हैं या फिर मैसेज ऐड कर लेते हैं. लेट्स सी, ओके लेट्स ऐड सम मैसेजेस. क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे, क्या है इसके दिल में दिमाग में जो आपसे कहना चाहता है. I can't stop looking at your pictures. तो ये पर्सन आपकी पिक्चर्स हो सकता है बहुत ज़्यादा देख रहे हो आजकल. प्लीज़ डोंट टेक दैट पर्सन, इज नॉट अबाउट मी, अबाउट यू, इट्स अबाउट मी. ये तो हमने ऑलरेडी आई थिंक डेक यूज़ किया है. लेट्स सी दूसरा डेक के. अब आई डोंट नो, मैंने इसी रीडिंग में आई जस्ट डोंट नो, बट लेट्स टेक कार्ड फ्रॉम अदर डेक. और प्रॉब्ली दिस इज समथिंग दैट आई जस्ट सेड इस कार्ड्स की एनर्जी के साथ एंड दिस मैसेज केम थ्रू कि जो भी कुछ हो रहा है इस रिलेशनशिप में, इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू. जो भी है वो इसके अपने पर्सनल इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये सर्टन वे में आपसे बिहेव करते हैं, डील करते हैं आपसे. बट लेट्स सी के और मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के आपके लिए. I miss you, but I don't have time right now. Are you thinking of me? I remember the day we met like it was yesterday. So definitely a person आपको बहुत ज़्यादा miss करता है. But at the same time, इसको लगता है कि अभी इसको और time चाहिए to you know to make up you know his or her mind. इसको सब कुछ याद है. अगर आपको लगता है कि पर्सन अनइमोशनल है, इसको तो सारी चीज़ें भी भूल चुकी होंगी, पता नहीं ये मुझे miss करता भी है कि नहीं करता, ये सब कुछ इसको याद है. आपके जहन में इसका जो इमेज है ये बिल्कुल भी वैसे नहीं है, और मुझे लगता है कि पर्पसली ऐसे बनते हैं आपके सामने ताकि आप भी शायद इसको इसके साथ ज़्यादा यू नो एक्सपेक्टेशन ना लगा कर बैठ जाओ. शायद ये अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं दैट वे टू. सो ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय.